कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष डबली जी का और कैंपेन कमेटी के हमारे इंचार्ज चोपड़ा जी का और हमारे दोनों वरिष्ठ साथी जो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया ग्रुप की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, तो अपने कांग्रेस नेतृत्व का कि उन्होंने हम तीनों साथियों को दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 3 सीट आई है उस पर एक उम्मीदवार के तौर पे चयनित किया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ कि हम देश में 543 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम में से बैठा हुआ कोई भी इंसान किसी एक सीट का उम्मीदवार नहीं है। ये इस वक्त मौजूदा हालात में देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है और रोज बरोज अमीरी और गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ तो कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति ये है कि दिनों दिन पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो GDP है उसका हिस्सा घटता जा रहा है। खरीदने की सामान को, जरूरत की चीज़ों को खरीदने की आम लोगों की शक्ति कम होती जा रही है। हमको लगता है कि विकास के जिस गति को UPA सरकार ने आगे बढ़ाया था, ना सिर्फ उस पर विराम लगाई गई है बल्कि जो देश में धन संपत्ति पैदा हुआ पिछले 20 सालों में, 10 साल के भीतर ही उसको निचोड़ करके कुछ गिने चुने 2-4 लोगों की तिजोरियों में पहुंचा दिया गया है। एक नौजवान होने के नाते, इस देश का एक साधारण नागरिक होने के नाते, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हमको आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा कि जब देश लुट रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चंदा दो और धंधा लो ये खेल चल रहा था, तब हम क्या कर रहे। जब इस देश को अंग्रेज की नीतियों के तहत फूट डालो और राज करो, देश को बांटने की साजिश चल रही थी, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हम क्या कर रहे थे। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, हम तमाम बैठे हुए लोगों के लिए एक सीट बनना, एक सीट प्राप्त करना, एक MP बनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस देश की संविधान के शासन को बचा करके रखना, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसको महात्मा गांधी के आदर्शों पे बनाया गया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पे बनाया गया, जिसके विजन पे यह देश चला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोज उनको देश की सर्वोच्च संस्था में गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना, उसके खिलाफ में देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि इस देश के नौजवानों का भविष्य छीना जा सके। इसीलिए हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आए। हमारे पास दिल्ली के लिए, दिल्ली की 7 सीट के लिए और देश की 543 लोकसभा सीट के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है। और वो सकारात्मक एजेंडा ये है कि चाहे आप महिलाओं की बात करें, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, और महिलाओं को प्रति वर्ष 1,00,000 रुपया अगर इस देश में संपत्ति पैदा हो रही है तो उस पर महिलाओं का भी अधिकार है, तो कैसे प्रति महीने उनको 8,500 रुपया सुनिश्चित किया जाए, हम उस एजेंडे के साथ आए। नौजवानों को जो पढ़े लिखे हुए हैं, अगर डिग्री है तो नौकरी है, इसकी गारंटी कैसे की जाए, कैसे पढ़े लिखे नौजवानों को 1,00,000 रुपया अप्रेंटिस योजना के तहत उनको दिया जाए, कैसे, जैसे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो मनरेगा लाया गया, काम की गारंटी की गई। तो जब दिल्ली में हम 7 सीट जीतेंगे तो शहरी क्षेत्र में भी हम कैसे शहरी क्षेत्र के लिए मनरेगा ला पाएंगे, देश के किसानों के लिए, अगर इस देश में बड़े धन पशुओं का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है। तो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर MSP का कानून बनाना है, और आप जानते हैं यहां महिलाएं बैठी हुई है, अगर इस देश में कानून नहीं होता तो आज भी जो है महिलाओं को दहेज के चलते प्रताड़ित किया जाता, उनको जला करके मारा जाता। तो कैसे हम कानून बना करके किसानों की रक्षा कर सकते हैं, और हिस्सेदारी का जो सवाल है,
देखिए हम कहाँ पैदा होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, हमारा लिंग क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम में से बैठा हुआ कोई इंसान ईश्वर के घर में अप्लीकेशन नहीं दिया था कि आप मुझे कहाँ पैदा करेंगे। ये जीवन का एक महज संयोग है। तो किसी इंसान के साथ महज उसके जन्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, भाषा और बोली के आधार पर अगर भेदभाव की जाए तो ये शहीद आजम भगत सिंह की संकल्पना नहीं है। हमको हमारे देश के जो विचारक हैं, जो महामानव हैं, महापुरुष हैं, उनके रास्तों पर आगे बढ़ाना है और सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ाना है। इसीलिए आखिरी बात अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए हमारे पास सकारात्मक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि 10 साल से सांसद हैं वहां पे, वो इधर उधर की बात ना करें, वो तो सिर्फ ये बता दें कि 10 साल में नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है, आप करावल नगर जाकर के देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि हम दिल्ली में हैं। सड़कों की हालत देखिए, जो वहां पे विकास के कारण है, कितनी जगह पे सांसद महोदय के नाम का पत्थर लगा हुआ है और आपको मालूम है दूसरे के मकान पर अपना नाम लिखने में माहिर नहीं है लोग। अगर ये कुछ काम किए होते तो एक करते 50 गिनाते, अगर इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, इसीलिए ये समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम उनके इस मुद्दों के भटकाने और गुमराह करने के साजिश में नहीं फंसेंगे। जो हमारी लोकसभा के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के जो आम लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनकी शांति की व्यवस्था करना, उनकी एकता को सुनिश्चित करना और उनके जो रोजी रोटी का सवाल है, उनके जो कामकाज का सवाल है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसी एजेंडे के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों आए खबर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी BPCC को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कल तक कह रहे थे कि कांग्रेस का कुछ है नहीं, किसी टिकटों की मालूम वाली कांग्रेस में है, तो आप समझ लीजिए आवाज कहां बह रही है। देखिए कोई उम्मीदवार हो, सब लोग खुश नहीं हो सकते, कुछ लोग नाराज होंगे। एक बार चुनाव शुरू हो जाएगा तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता काम करेंगे और पार्टी में इन डिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में हम सबकी बात सुनते हैं और जब तक चुनाव में नॉमिनेशन होके चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा सुनते भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई इन डिसिप्लिन करेगा तो उसको पार्टी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए, आप लोग सब कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो गई है, अगर किसी पार्टी में टिकट लेने की सबसे ज्यादा होड़ है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, तो मुझे किसी के बयान से अपनी आइडियोलॉजी बदलने या बताने की तो आवश्यकता नहीं।
एक पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपका अधिकार है कि एज ए पत्रकार आप उनसे ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अव्वल तो आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कैसे, क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, आपके सवाल ही नहीं लेते हैं। 10 साल में उन्होंने तो आरोप अंबिका पे थोड़ी लगाएंगे, कांग्रेस पे ही लगाएंगे ना। हम देश के विपक्षी पार्टी है तो हम ही पे आरोप लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल उनसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कैसे। जहां तक उन्होंने जो बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी हुई है ना, जाको रही बाबरा जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तैसी, जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार है वो वैसी बात करता है। अपने कथन में जब हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद को, तो हमने आपको कहा कि वो पूरे चुनाव में यही करेंगे। उनके मुंह से रोजगार नहीं निकलेगा, उनके मुंह से महंगाई नहीं निकलेगी, उनके मुंह से देश के ऊपर कर्जा आपको मालूम